नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश प्रदेश और दुनिया की कुछ खास खबरें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है तो महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल देशमुख के खिलाफ जारी सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वही हीटवेव की वजह से मराठवाड़ा के सभी जिलों में तापमान बढ़ा हुआ है। आगामी कुछ दिनों तक इसी प्रकार गर्मी का प्रकोप नागरिकों को झेलना पड़ सकता है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शरद राजनीति के भीष्म पितामह है और यूपीए किसी की जागीर नहीं है। इस बीच कोरोना की चौथी लहर की आशंका से बीच बीएमसी 11वीं जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, जिसके तहत 300 से अधिक कोविड पेशेंट के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक और जहां सहयोगी दल कांग्रेस के विधायक सरकार के कामकाज से नाराज चल रहे हैं, तो वही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। ये मुलाकात उस समय हुई जब पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग हो रही है, इसलिए कांग्रेस में असंतुष्ट चल रहे नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद के साथ पवार की मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एनसीपी ने इसे सामान्य करार दिया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि संसद सत्र के दौरान पार्टी अध्यक्ष जब भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो गुलाम नबी आजाद अमूमन उनसे मुलाकात करते हैं, इसलिए इसे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। वही इस मुलाकात को लेकर आजाद ने कहा कि वास्तव में मैं अक्सर अपने कई राजनीतिक सहयोगियों से मिलता हूँ। पवार जी और मैंने 40 से अधिक वर्षों तक एक साथ काम किया है। कांग्रेस कार्य समितियों और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अलावा दो यूपीए सरकारों के मंत्रिमंडलों में शामिल रहे, इसलिए बातें होती रहती है। इस लिहाज से सामान्य ही सही यह बैठक व्यापक राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महत्व रखती है। नवीनतम चुनावी हार ने गांधी परिवार के नेतृत्व को और हिलाकर रख दिया है। संकेत मिल रहे हैं कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति, विशेष रूप से बड़ी भाजपा विरोधी विपक्षी राजनीति की स्थिति, उनकी बातचीत में शामिल हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल देशमुख के खिलाफ जारी सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से देशमुख मामले को एसआईटी को देने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हम इस मामले को टच नहीं करेंगे। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इसी मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से पिछले सप्ताह सीबीआई ने भी पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले साल यानी 2 नवंबर को अनिल देशमुख गिरफ्तार किए गए थे। इसी मामले में उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल अब सीबीआई के निदेशक है। सीबीआई की जांच में पक्षपात की आशंका है। जायसवाल पुलिस स्थापना बोर्डों का हिस्सा थे और तबादलों और पोस्टिंग का निरीक्षण करते थे। सीबीआई डायरेक्टर संभावित आरोपी नहीं तो गवाह तो जरूर होंगे। जस्टिस एस के कॉल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की। महाराष्ट्र में हीटवेव की वजह से मराठवाड़ा के सभी जिलों में तापमान बढ़ा हुआ है। औरंगाबाद समेत जालना, परभणी, नांदेड़, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली जिले में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आगामी कुछ दिनों तक इसी प्रकार गर्मी का प्रकोप नागरिकों को झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग के आंकलन के मुताबिक तापमान की और भी बढ़ने की आशंका है। राजस्थान और गुजरात की तरफ से आने वाली अति शुष्क हवाओं की वजह से राज्य में हीटवेव का कहर जारी है। आगामी 2 अप्रैल तक इसी प्रकार से गर्मी के प्रकोप से नागरिकों को परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि उसके बाद भी कुछ दिनों तक गर्मी में राहत मिलने के आसार नहीं है, लिहाजा नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। दोपहर के समय में घर के बाहर निकलने से बचने का आह्वान किया गया है। वही किसानों से जानवरों को छांव में बांधने के लिए कहा गया है। उस्मानाबाद जिले में गर्मी के प्रकोप से लिमराज
काले नामक किसान की मौत हुई है। खेत से काम करके लौटने के बाद प्यास लगने पर उसने तुरंत पानी पी लिया। पड़ोसियों की मदद से आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारों ने सावधान किया है कि हीटवेव की वजह से शरीर में तनाव आ सकता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। दोपहर 12 बजे के आसपास की तीव्रता काफी होती है। मई महीने में तापमान की 43 से 44 डिग्री तक जाने की आसार है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विजय रथ को रोकने के लिए बीते कई सालों से तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश शुरू है, लेकिन आपसी मतभेद, राजनीतिक नफा नुकसान के चलते आज तक यह संभव नहीं हो पाया है। फिलहाल यूपीए के अध्यक्ष पद को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दिल्ली में हुए पार्टी के सम्मेलन में शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने इस बाबत प्रस्ताव भी पारित किया है। यह प्रस्ताव खुद शरद पवार की मौजूदगी में मंजूर किया गया। हालांकि यूथ विंग के इस वक्तव्य और प्रस्ताव की वजह से कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि शरद पवार राजनीति के भीष्म पितामह है। इस विषय में मैं उद्धव ठाकरे से चर्चा करूंगा। यूपीए किसी की जागीर नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के संबंध में संदर्भ में बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व किसे करना है यह उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन कांग्रेस को यूपीए के लिए प्रयास करना चाहिए। यूपीए की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। बीजेपी के विरोध में ममता बनर्जी प्रयास कर रही है, केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही। विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप है, जबकि यहां जून में चौथी लहर आने की आशंका विशेषज्ञों ने जताई है। इसी बीच बीएमसी 11वीं जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, जिसके तहत 300 से अधिक कोविड पेशेंट्स के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 2-3 दिनों में रिपोर्ट आते ही स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई में फिलहाल ओमिक्रॉन है या फिर कोई नया वेरिएंट भी आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की 9वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 95% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई, जबकि डेल्टा वेरिएंट 5% मिला। बीते माह 10वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में डेल्टा गायब हो गया था। 237 सैंपल में से सभी मामले कोरोना BA.2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकले। विदेशों में इसी वेरिएंट का म्यूटेशन संक्रमण बढ़ने से बीएमसी अलर्ट मोड में है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि 11वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चल सकेगा कि मौजूदा वेरिएंट में कोई नया म्यूटेशन हुआ था अथवा नहीं। काकानी के अनुसार तीसरी लहर मुंबईकरों पर इसलिए हावी नहीं हो पाई क्योंकि अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके अलावा बीएमसी की टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट वाली रणनीति बेहद कारगर रही। लोगों ने भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया। उन्होंने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग से जांच आसान हो गए है। 8वीं जीनोम सीक्वेंसिंग में 280 कोविड सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें 248 ओमिक्रॉन वेरिएंट, 21 डेल्टा डेरिवेटिव और 11 डेल्टा वेरिएंट संक्रमित थे। वही 7वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 282 सैंपल में से 156 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा कि माध्यम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मन समस्या है, मन लगाना चाहिए, मन से पढ़ेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा। वही चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी जमानत याचिका पर फिर सुनवाई टल गई है। अब अगले हफ्ते मामले में सुनवाई होगी। तो मध्य प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर हर दिन बुलडोजर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोग अब बुलडोजर मामा कहने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि यह महीना भी सूखा जाने वाला है, पर लू के प्रकोप से थोड़ी राहत मिलने की आसार जरूर है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। देश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।
पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों से मुखातिब हुए। मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है या आपकी विकास यात्रा का हिस्सा है। आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं, परीक्षा के अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं। परीक्षा जीवन का एक पड़ाव भर है। ऑनलाइन क्लास करते करते ऑनलाइन गेम खेलने और सोशल मीडिया की आदत हो गई है, इस समस्या से कैसे निजात पाए? इस प्रश्न पर मोदी ने कहा कि माध्यम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मन समस्या है, मन लगाना चाहिए। मन से पढ़ोगे तो ध्यान नहीं भटकेगा। जीवन में माध्यम बदलते रहते हैं, ऑनलाइन पाने के लिए है और ऑफलाइन बनने के लिए। ऑनलाइन का उपयोग आधार मजबूत करने के लिए करें और ऑफलाइन में जाकर उसे साकार करें। कुल मिलाकर ऑनलाइन को एक अवसर मानिए। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी नहीं होंगे, बल्कि इनर लाइन होंगे। जितना अपने अंदर जाएगा आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। नई शिक्षा नीति पर मोदी ने कहा कि असल में यह नई शिक्षा नीति नहीं, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। लाखों लोगों ने इसे बनाया है, समाज के हर तबके ने इसका स्वागत किया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ वे तबीयत खराब होने से परेशान है तो दूसरी तरफ अदालत से राहत नहीं मिल पा रही है। अब एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब अगले हफ्ते मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दिन हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन हाईकोर्ट की जिस बेंच में लालू यादव का मामला सूचीबद्ध था वह बेंच आज नहीं बैठी। इससे पहले हुई सुनवाई में रांची हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। डोरंडा कोषानगर से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू यादव ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं वजहों से सुनवाई टल गई। इस जानकारी के बाद पटना स्थित राबड़ी आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। अभी लालू यादव दिल्ली एम्स में एडमिट है। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची रिम्स से एम्स भेजा गया था। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषानगर से 129 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में आरजेडी मुखिया को सजा हुई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 21 फरवरी को लालू यादव सहित 75 आरोपियों को सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद को 5 साल की जेल और 60 लाख जुर्माने की सजा दी गई। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पास हो गया है। अपराधियों के ठिकानों पर हर दिन बुलडोजर चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की पार्टी बीजेपी अब उन्हें बुलडोजर मामा के रूप में पेश कर रही है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एमपी में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब किसी न किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चला हो। आज सुबह भी जबलपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। यहां टेढ़ी नीम इलाके के बदमाश रईस चपटा उर्फ रईस अहमद अंसारी के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। इसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। रईस के खिलाफ हनुमान ताला थाना क्षेत्र में 15 से अधिक अपराध दर्ज है। वहीं रीवा सर्किट हाउस में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी सीता रामदास महाराज का घर भी जमीन दोज कर दिया गया है। घटना के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि बाबा के ऊपर बुलडोजर चलेगा क्या। कुछ घंटे बाद ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में मन से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने घर को जमीन दोज कर दिया है। इंदौर में 20 साल की उम्र से अपराध करने वाली 60 वर्षीय पार्वती बाई पर भी कार्रवाई हुई है। सीएम के निर्देश पर इंदौर के ग्वालटोले स्थित पार्वती बाई के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुल मिलाकर एक सप्ताह के अंदर करीब 2 दर्जन से अधिक आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। रायसेन, श्योपुर, नीमच, भिंड, ग्वालियर, इंदौर, गुना, शिवपुरी और नर्मदापुरम समेत कई जिलों में यह कार्रवाई हुई है। जघन्य अपराधों में आरोपी पर केस दर्ज होते ही बुलडोजर चल रहा है। कई हफ्तों से भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर और मध्य भारत को अप्रैल में भी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि यह महीना भी सूखा जाने वाला है। लू के प्रकोप से थोड़ी राहत मिलने के आसार जरूर है, मगर दिन रात के वक्त तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश होने के आसार जताए हैं। ऐसे में पानी और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने मध्य भारत के लिए भी ऐसा ही पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर भारत के तापमान में अगले कुछ दिन गिरावट का अंदेशा जताया गया है, लेकिन मध्य भारत में 4-5 दिन लू की स्थितियां बनी रहेगी। अप्रैल के महीने में पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से सामान्य से ज्यादा गर्म रहेंगे, ऐसा अनुमान है। पिछले महीने मार्च से मई की सीजनल फोरकास्ट में मौसम विभाग ने कहा था कि मार्च के महीने में उत्तर भारत में सामान्य से ठंड मौसम रहेगा।
हकीकत इस भविष्यवाणी की ठीक उलट रही। अब विशेषज्ञ इसके पीछे दो वजह बता रहे हैं। पहला, पश्चिमी विक्षोभ का सामान्य से ज्यादा उत्तर की ओर होना, और दूसरा, पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बनना। इस बीच गर्मी बढ़ते ही अस्पतालों में डायरिया, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल की ओपीडी में बुखार के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। वायरल इस समय अपने पीक पर है। अगले कुछ दिन तक यही स्थिति बने रहने के आसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला हो चुका है। इस बीच वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोलॉजिकल ई ने केंद्र सरकार से 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मांगी है। कंपनियों ने बच्चों पर ट्रायल के नतीजे भी सरकार को बताए हैं। प्रस्ताव पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। इसमें पता चला कि देश में 12 साल के कम उम्र के बच्चे कोरोना की तीनों लहरों के दौरान संक्रमित तो हुए, लेकिन उनमें गंभीर लक्षण नहीं दिखे, इसलिए उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कहीं भी छोटे बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता से बचाती है, न कि संक्रमण से। अभी तक बच्चों में संक्रमण के गंभीर लक्षण नहीं दिखे। कोरोना से बच्चों की मौत भी लगभग शून्य है, इसलिए उन्हें वैक्सीन लगाना सही नहीं रहेगा। अच्छी बात यह है कि सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लोग बिना डर जीने लगे हैं। लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके या अस्पताल में मास्क पहनना चाहिए। मास्क हमें कई बीमारियों से बचाता है। ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, फिर भी कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस के खरीदारों को रूबल में पेमेंट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी खरीदार रूबल में पेमेंट नहीं करेगा उसकी गैस सप्लाई को रोक दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव में बुरी तरह फंस चुके हैं। तो पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने सनसनीखेज दावा किया है कि इमरान खान की हत्या की साजिश रची जा रही थी। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने दो ट्रुक चेतावनी दी है कि भारत इस भ्रम में नहीं रहे कि चीन LC का उल्लंघन करता है तो रूस उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संभवतः पुतिन ने अपने कुछ सलाहकारों को घर में जेल बंद कर लिया है, और अगर ऐसा होता है तो यह गंभीर बात है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस की खरीदों को रूबल में पेमेंट करने की मांग की है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जो भी खरीदार रूबल में पेमेंट नहीं करेगा उसकी गैस सप्लाई को रोक दिया जाएगा। पुतिन की इस धमकी से यूरोपीय देशों में हाहाकार मच गया है। दरअसल अधिकतर यूरोपीय देशों ने रूबल में पेमेंट करने की मांग को खारिज कर दिया है। रूसी गैस के सबसे बड़े उपभोक्ता जर्मनी ने तो पुतिन की मांग को ब्लैकमेलिंग करार दिया है। यूरोप पहले से ही प्राकृतिक गैस की कीमतों में बेताशा बढ़ोतरी से हलाकन है। ऐसे में रूस अगर गैस सप्लाई रोकता है तो यूरोपीय देशों में भूखमरी की नौबत आ सकती है। इतना ही नहीं, करोड़ों लोगों की गैस की कमी से भीषण ठंड का सामना भी करना पड़ सकता है। पुतिन के फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई एक तिहाई तक कम हो सकती है। रूसी गैस पर सबसे अधिक निर्भर देश जर्मनी है। ऐसे में उसने तत्काल आपातकालीन योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर रूस गैस की सप्लाई रोकता है तो यूरोपीय देशों की व्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि रूसी गैस का निर्यात पुतिन का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में मुश्किल में फंसे पुतिन गैस सप्लाई को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रूस के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कम करना चाहते हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में बुरी तरह फंस चुके हैं। 3 अप्रैल को पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। पाकिस्तानी विपक्षी पार्टियां इमरान खान के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना इमरान खान का साथ छोड़ चुकी है। सेना और सरकार के बीच में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यालय विस्तार और खुफिया एजेंसी ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर तनाव है। इमरान खान नहीं चाहते कि जनरल बाजवा फिर से आर्मी चीफ बने। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इमरान खान पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद को पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। फैज हमीद ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दबाव में ही तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया था। कहा जाता है कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के पीछे भी फैज हमीद का ही दिमाग था। फैज हमीद को इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का भी करीबी माना जाता है। फैज हमीद को पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनाकर इमरान खान का मकसद 2023 के आम चुनाव में भी जीत हासिल करना है। हालांकि वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इमरान खान का यह सपना शायद ही पूरा हो। पाकिस्तान के PM इमरान खान की हत्या हो सकती है और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी साजिश रची जाने की जानकारी मिली है। इमरान खान सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने यह सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले PTI के नेता फैजल वावड़ा ने भी ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि देश को बचाने से इनकार करने के चलते इमरान खान की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। वावड़ा ने एक TV चैनल पर विदेशी साजिश का हाथ होने के सवाल पर यह दावा किया था। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के नेता ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन यह पूछे जाने पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि क्या इसके बारे में कोई बात उस लेटर में भी है जिसे इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद की रैली में दिखाया था। उनका कहना था कि इमरान खान से कहा गया था कि उनकी 27 मार्च की रैली में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जाने की जरूरत है। इस पर उनका कहना था कि यदि अल्लाह चाहेगा तभी मेरी मौत आएगी, इस बारे में आप लोग कोई चिंता न करें। अब एक बार फिर से इमरान खान की हत्या की साजिश रचे जाने का दावा उनके ही मंत्री ने किया है। अमेरिका ने आगाह किया है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को अंजाम बदने होंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने अपने भारत यात्रा के दौरान एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि अगर चीन LC का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की मदद के लिए दौड़ा हुआ आएगा। भारत की रूस से ऊर्जा खरीदी फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे। दिलीप ने यह बयान उस दिन दिया जब रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी विदेश मंत्री के इस दौरे में रूसी तेल की खरीदी सहित द्विपक्षीय व्यापार के लिए रूबल रुपए पेमेंट सिस्टम पर चर्चा होने की संभावना है। रूस से किफायती दरों पर तेल खरीदने के भारत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर दिलीप ने कहा कि अमेरिकी भारत की ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत पूरा करने के लिए तैयार है, इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोकतंत्र और खास तौर पर क्वाड देश एक साथ आए और यूक्रेन को लेकर अपना साझा हितों को प्रमुखता से उठाए। अगर रूसी हमले के प्रभाव को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह काफी घातक होगा। भारत को ऐसी घड़ी में सोच समझ कर कदम उठाना होगा और यही भविष्य में उसके हित में साबित होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका ने आशंका जताई है कि पुतिन अपने कुछ सलाहकारों को हाउस अरेस्ट के तहत रख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये संभावना भी है कि पुतिन अपने कुछ सलाहकारों को घर में नजरबंद कर लिया हो। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पश्चिमी आकलन पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में बाइडेन यह भी कहा कि उन्हें यूक्रेन के कुछ हिस्सों में हमले को कम करने के मास्को के दावे के बारे में संदेह है। ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया स्टेटमेंट के बारे में पूछे जाने पर बाइडेन ने कहा कि पुतिन सेल्फ आइसोलेट प्रतीत होते हैं और कुछ संकेत है कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या नजरबंद कर दिया है। दरअसल युद्ध को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं। जब तक इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि रूस कीव और कुछ दूसरे शहरों से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है, लेकिन इस बात के सबूत है
कि वह डोनबास में अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। यूक्रेन के एक अन्य क्षेत्र पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर हमले का आदेश भी दिया गया है। इसलिए इस पर संशय है कि क्या वह वास्तव में कीव और कुछ शहरों से पीछे हट रहा है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ सलाहकारों ने उन्हें यूक्रेन पर हमले में आ रही मुश्किलों को लेकर गुमराह किया था, जिसके बाद सैन्य नेतृत्व के साथ उनका मतभेद गहरा गया है। वीकेपी न्यूज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।